हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एनीवेज क्यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन करने वाले हैं, ये एक मूवी ट्रेलर है जिसका नाम है CBI 5। इसमें ममूती है एंड मैंने इन्हीं की जब CBI 5 की टीजर जब आया था तब मैंने ऑलरेडी मैं इस पे रिएक्शन दे चुकी हूँ। एंड ट्रेलर लुक्स द टीजर दैट टाइम जो मैंने देखा था तो वो बहुत ही अच्छा टीजर था हाई लेवल, क्योंकि इसमें आई गेस हाई लेवल ऑफ सस्पेंस यूज होने वाला, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस ट्रेलर मे बी। तो लेट्स फाइंड आउट। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। സന്ദീപിന്റെ പെണ്ണീമ ആ പേരിൽ എഴുതാറുണ്ട്. എന്ത് പറ്റിയത് സർ? സർ, കൊന്നു കെട്ടി തൂക്കിയാണ് ഉറപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴേ പറയുന്നത് ശരിയല്ല സർ. ഡോക്ടർ വേണുവിന്റെ ഈ മരണങ്ങളിൽ ദുരൂഹത തോന്നാൻ കാരണം സംശയങ്ങളാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം. യു നോ സർ, ഇസ് ഹൈലി കറപ്റ്റ്. ഈ റൂതിയെ എനിക്ക് മണം കിട്ടില്ലെന്ന വിചാരം. സംശയങ്ങൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻസിനുമുള്ള ഉത്തരം. മുമ്പും ഇവിടെ കോൺസ്പിറസി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ഔട്ട്കം വാസ് ബാസ്കറ്റ് കില്ലിംഗ്. ഐ ആം ഡാം ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ മർഡറർ. सो वीडियो जो है वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है एंड दिस ट्रेलर लुक्स प्रिटी नाइस, प्रिटी लाइक आई वुड से द स्टोरी रिवॉल्वमेंट इज ऑल अबाउट लाइक कि हाउ द कॉन्स्पिरेसी कैन रिवॉल्व एंड एक हाउ टू यू नो एक कोई भी एक ग्रीवियस क्राइम जब भी कंडक्ट होता है तो उस चीज को छुपाने के लिए एक एक इंसान का एक इवन माइंड किस तरीके से किस नेगेटिव इम्पैक्ट तक जाता है। आई थिंक इट इज मोस्टली द स्टोरी इज गोइंग टू बी अबाउट लाइक दैट, क्योंकि एक 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 क्राइम को छुपाने के लिए लोग कितने और ज्यादा क्राइम तो करते ही करते हैं एंड उस चीज को कैसे एक घुमाने की कोशिश करते हैं, पूरी सिचुएशन घुमा देते हैं। एक और मूवी थी दृश्यम, उसने भी यही बताया था कि इट वॉज नॉट अबाउट कि यू नो स्टोरी भले किसी और टाइप की गई हो लेकिन उसमें एक बहुत ही अच्छा एक एक स्टोरी यूज करी है कि यू नो एक क्राइम को या फिर एक मर्डर को उसने किस तरीके से उसको मैन्यूपुलेट कर दिया था। इट वाज मतलब बहुत ही अच्छी वो स्टोरी थी दृश्यम। वो देख के भी मतलब ऐसा लगा कि वाओ यार, मतलब दैट्स कॉल्ड अ सस्पेंस। जिस तरीके से उसको क्रिएट कर कैसे उसने पूरा मैन्यूपुलेट कर दिया था, पूरे सिचुएशन को घुमा दिया था। तो इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी। आई एम जस्ट होपिंग कि शायद ये भी इसी टाइप की कोई मूवी हो। एंड इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।